गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। और आज हम तैयारी करेंगे ससुराल जाने की, और ज्यादा कल से शुरू तो कर दी बट आज और भी करनी है। तो यह अभी मैं जाऊंगी नहाने, क्योंकि अभी आज है मेरा व्रत चांद पूर्णिमा का। हाँ, हम कल जाएंगे बेटा, तो उसके लिए कहानी सुनेंगे नहा के। और इधर भाभी छील रही हैं आलू, क्योंकि यहाँ पे सारा दिन हम डोसा बनाते रहते हैं, इसलिए आलू की सब्जी बनेगी डोसे के साथ। और इधर ये दो लड़कियां उठने का नाम नहीं ले रही हैं, आलसी हो रखी हैं। इधर ये चद्दर नहीं समेटने दे रहा है, तो इनको पूरी मस्ती चढ़ी हुई है। तो चलिए हम फटाफट से नहा लेते हैं, उसके बाद आपसे मिलेंगे। तो नहाने से पहले मम्मी की फरमाइश हुई, भाभी दो मिनट, मम्मी की फरमाइश हुई, उन्होंने कहा मंगौड़ी की सब्जी चाहिए मेरे हाथ की, तो वो मैं बना रही हूँ। इधर हमारे शेफ भाई लगे हुए हैं डोसा बनाने, और आज फिर से ये डोसा खाएंगे। मेरा तो व्रत है, मैं नहीं खा सकती, पर और इसको डोसा बनाना आता है। कौन कौन से डोसे बनाने आते हैं आपको? सारे आते हैं। पर ये बनाता है घी में, घी वाले डोसे, और अनियन डोसा बहुत अच्छा बनाता है। और अनवी शर्मा खड़ी है यहाँ पे मामा के हाथ के डोसे खाने के लिए। तो यार अभी तक की अपडेट यही है, अभी बना रहे हैं हम मंगौड़ी की सब्जी, उसके लिए लहसुन छील रही हूँ, फिर बाद में मिलते हैं आप। तो गाइस मैं नहा चुकी थी, और मतलब बना लिया मैंने, और मैंने पूजा भी कर ली अपनी कहानी जो मुझे सुननी थी। काफी बार मैं दिखा चुकी हूँ अपने व्लॉग्स में कहानी सुनते हुए, तो मुझे आज मैं नहीं शूट कर पाई। और यह सेम अभी तो मैंने ये वाली ड्रेस पहन ली है, क्योंकि इस पे मेहंदी लगी है, बट क्या करूं, मैं मम्मी के घर पे ना सिर्फ दो ही जोड़ी कपड़े लेकर आई थी, एक पहन के आई थी और दो पजामा टी शर्ट लाई थी, तो एक मैंने अभी निकाल दिया, तो मेरे पास ये मेहंदी वाली ही बची थी। हालांकि मैंने इसे धो दिया था अच्छे से, बट फिर भी थोड़ी सी कलर रह गया। अब लेकिन पुरानी टी शर्ट है, इसलिए मैंने फिर इसी के कोई वो यूज नहीं किया था, न्यूज़पेपर या दूसरा कुछ तौलिया कुछ यूज नहीं किया था। तो अभी का प्लान ये है कि अभी क्योंकि मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ, उस दिन मैंने बताया था, मैं फर्स्ट मतलब काफ़ी दिनों बाद मैं स्कीम जाके आई थी, शॉपिंग की थी, लेकिन अब मैं फिर से अवॉइड कर रही हूँ बाहर जाना थोड़ा, क्योंकि अभी भी मेरी मुझे नहीं लगता कि मेरी तबीयत ठीक है, या फिर मुझे मतलब डर सा लगता है रिकरेंस का। तो इसलिए मैंने घर पे ही पार्लर वाली को बुलाया है, तो वो अभी आने वाली है, फिर जस्ट थोड़ा सा आईब्रो एंड वैक्स करवाऊंगी मैं, यू नो थोड़ा ऐसे ससुराल जाते हैं ना मायके से, तो थोड़ा सा अपने आप को पैम्पर कर लेना चाहिए, थोड़ा सा अच्छा अच्छा दिखने के लिए। तो और काफ़ी दिन भी हो गए मुझे करवाए हुए, तो वो अभी आने वाली है थोड़ी देर में, 10 मिनट का नाम लिया है उसने, फिर हम करवाएंगे। मे बी मैं शायद ही शूट कर पाऊँ नहीं कर पाऊँ, वो मुझे नहीं पता, क्योंकि अभी मेरे फ़ोन में अनवी अपनी क्लास लेगी, क्योंकि उसका टैबलेट अभी चार्ज नहीं है, वो चार्ज होने के लिए लगाया उसने। तो हो सका तो मैं वीडियो बनाऊंगी, अदरवाइज फिर आपसे बाद में मिलती हूँ। ओके, फिर हम लगाएंगे मेहंदी हाथों में, ठीक है? तो वो थोड़ा सा मैं शूट कर लूँ, क्या पता, तो देखते हैं कितना मैं आज शूट कर पाती हूँ कितना नहीं, क्योंकि आज बहुत बिजी डे हो सकता है, होने वाला है मेरा, और व्रत भी है तो अच्छा है, बिजी रहूंगी तो भूख का भी एहसास नहीं होगा, तो इसीलिए सारे काम आज ही करने हैं। कल तो फिर शाम तक मैं चली जाऊंगी, तो कल कुछ नहीं करेंगे, कल आराम से रिलैक्स होके मम्मी से बात करेंगे, सबके साथ टाइम स्पेंड करेंगे, तो आज ही सारे काम फिनिश कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं, अभी पार्लर वाली आने वाली है, तो तब तक के लिए बाय बाय। तो पार्लर का काम मैंने करवा लिया, आप देख सकते हैं आईब्रो मैंने बनवा लिए हैं, वैक्स भी करवा ली है, और अभी मैं बना रही हूँ अपने लिए स्मूदी बोल लीजिए या बनाना शेक, वो मैं लूँगी, उसके बाद हम मेहंदी लगवाएंगे, तो वो बना रही हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं आप, इसमें सारे मतलब खूब सारे ड्राई फ्रूट्स एंड बनाना डाल लिया है, इसमें थोड़ा दूध और चीनी तो डालूंगी तो डालूंगी, अदरवाइज नहीं डालने वाली हूँ, फिर उसको घोट लेंगे और पी लूँगी, तो वो एक अच्छा एनर्जी रखता है पूरे दिन व्रत करने में, तो मैं मोस्टली यही लेती हूँ। तो यार अभी मैं अपना बनाना शेक बना के पी लूँ, उसके बाद मेहंदी लगाएंगे। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे मेहंदी, नींद आ रही है पर मेहंदी लगानी है, चलिए स्टार्ट कर। तो अनवी ने स्टार्ट कर दिया है मेरे मेहंदी लगाना, और ये बोल रही है मैं मेहंदी लगाऊंगी आपके, तो मैंने बोला पाँव के लगा दो तुम, तो इसने ये बनाए हैं स्टार फ्लावर डॉट डॉट,
और दोनों पाँव के एक जैसी लगती हैं, दोनों के एक जैसी लगाना, लगा दोगी? हाँ, तो वो मेहंदी लगाना सीख रही है, तो मैंने उसको अपने पाँव दिए हैं कि पाँव पे सीख लो और हाथों पे लगाएंगी भाभी। बैठ गए हैं मेहंदी लगाने और भाभी मेहंदी लगाते लगाते बीच में देखो इधर ब्यूटी पार्लर का काम शुरू हो गया है। इस ब्यूटी पार्लर में बहुत सारे काम होते हैं, मेहंदी भी लगती है और इधर जुड़ा भी बनता है ना, और ये काली माता भी बन जाती है। नुनू आप दूर हटो बेटा, आपका कोई काम नहीं है। टेढ़ी मेढ़ी कैसी लग रही है? टेढ़ी लग रही है क्या? और अब हम स्टार्ट करेंगे मेहंदी लगाना। तो भाभी भाभी ने अपना जो छापा है खोल लिया है और वो छापा मेरे हाथ पे रचने वाली हैं। तो ये स्टार्ट हो, दिखाओ तो कहना से स्टार्ट हो। चार बार स्टार्ट बोलने वाली बोल चुकी हूँ लेकिन भाभी के स्टाइल समझ में नहीं आ रहा है कहाँ से स्टार्ट हो। तो ये फाइनली स्टार्ट हो चुकी है, स्टार्ट तो हुई एटलीस्ट। तो मैं आपसे मेहंदी थोड़ी सी लग जाए उसके बाद आपको दिखाती हूँ कैसी लगी है। मम्मी ने कुछ इस तरीके की मेहंदी लगाई है, मेरे चांद तारे सब बना दिए हैं उसने। और अब ये वाले भाभी की मेहंदी अभी तक तो बहुत अच्छी लग रही है, आगे देखते हैं भाभी क्या चित्रकारी इन पे करती है। तो एक रहस्य बना हुआ है जिसे हम देखेंगे अभी थोड़ी देर में। अभी तक का अपडेट मैं आपको दिखा देती हूँ कहाँ पे पहुंची मेरी मेहंदी। ये देखिए कुछ इस तरीके से बनी है, ये बहुत ही खूबसूरत लग रही है मुझे तो, आगे देखते हैं और कितनी खूबसूरत होती है। तो ये एक हाथ की फाइनली लग गई है मेहंदी और कुछ इस तरीके से लग गई है मेरी मेहंदी। और मेहंदी लगाने वाली और लगवाने वाली दोनों खुशी हो गए हैं और सो गए हैं। तो आप बताना मेरी मेहंदी आपको कैसी लगी, मुझे तो बहुत अच्छी लग रही है। ये आगे पीछे ये आगे। आज कटेगा हमारे घर का तरबूज बाड़ी का, और ये इतना छोटा ही इसने तोड़ लिया है, मन तो लगा वो नहीं पुल के, और लग रहा है कि इसमें कीड़े घुस गए। हाथ मत कर लिए, काट लिए। तो मैं पहले कीड़ों को काटता हूँ। ये वाइट ही है, लाल है, ये तो कच्चा है। तो तू कच्चा क्यों काटे? और इसने कच्चा ही तोड़ लिया है, अभी ये होता खुल के सब्जी बनाना हो तो मतीरी है। तरबूज बड़ा हो गया, लाल है, देख बहुत तो यो। ये है आपकी नासमझी जो आपने बहुत ही इतना उतावलापन भी अच्छा नहीं होता लाइफ में। मेरे को लगा इसमें कीड़े घुसने वाले। नहीं, सब्र का फल मीठा होता है और ये बिना सब्र का फल कतई ही मीठा नहीं है। हमारा व्रत है आज हम नहीं खा सकते हैं। क्या बोला क्यों? हाँ, मत आयोगे। ये कैसा तरबूज है, ये कैसा तरबूज है? अरे वो कीड़ा खोद। इधर और भी लगा है एक, दिखा मम्मी। हम इसको पकने देंगे, इस फल को हम सब्र से मीठा बनाएंगे। वो तो छोटो सही है, एक अठे सीख भी हो छोटो, पता नहीं वो शायद टूट गया। नहीं हो, और पुलकित बोले गड़गो गड़गो, एक पुलकित है बोले तू गड़गो अड़े सीख तो हो वो, तू जड़ मत काट तो मम्मी। वो गल गया क्या पता नहीं, लगा लगाई फल जल गया। और यहाँ पे देखिए मैंने मेहंदी जो है उतार ली है और ये कुछ इस कलर की आई है, अभी और कलर ये देगी, बहुत ही अच्छी। और मौसम जो है वो बड़ा ही उमस वाला हो रखा है, बारिश होती नहीं है, उमस बढ़ते जा रही है। होगा नहीं तो अरी बेली बढ़िया। तो वो नहीं ज्यादा पानी से होगा
हो जाओ ज्यादा पानी से। तो मैंने खाना खा लिया और मेरी मेहंदी का कलर आप देख सकते हैं अभी ऐसा है, हल्का सा मुझे धोना पड़ा क्योंकि व्रत था और व्रत में थोड़ा सा हाथ धोकर ही ढंग से मैंने खाना खाया। हालांकि वैसे भी खाती तो मेहंदी थोड़ी सी धोनी पड़ती, बट फिर भी व्रत था तो थोड़ा ज़्यादा अच्छे से धोना पड़ा। और बस अब कुछ नहीं कर रही, अब मैं शायद वीडियो एडिट करूँगी, उसके बाद सो जाएंगे या मम्मी के साथ बातें करूँगी। अब मिलती हूँ आपके साथ मैं कल के व्लॉग में, वो भी देखती हूँ बनाती हूँ कि नहीं, क्योंकि देखेंगे बनेगा तो ठीक है, अदरवाइज़ आप समझ जाना क्या क्या हो रहा है। तो चलिए तब तक के लिए बाय बाय, नेक्स्ट व्लॉग में आपसे मिलती हूँ। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू।